नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी वन में और मैं हूं आपका रामा यादव। तो चलिए, मैंने कुछ अभी तक सोचा नहीं है कि मैं क्या आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी इस समय जो है लातूर में हूं, लातूर के एक गांव में हूं, जहां पर अभी एक फ़िल्म की जो है मराठी फ़िल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। और बस इसी गाँव में हम लोग जो है आज शूटिंग का मेरा पहला दिन था और इसे जो है आज हम लोगों ने किया। फ़िलहाल मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं और लगातार मुझे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि मेरा फ़ोन बंद है, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी आज जो है कि आज पूरा दिन जो है हमने लातूर में भी गुजारा है। ये फिल्म जो है एक मराठी फिल्म है, एक कुछ स्टोरी है, वो उसकी बातें तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फ़िल्म की थोड़ी बहुत जो सीक्रेट है वो आपके सामने रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो है वो शूट हो रहा है और हमारा सामान जो है ये रखा हुआ है। आखिरकार यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि बारिश का जो है वो सीज़न है और इस बारिश के सीज़न में जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है सामान और शूटिंग करने के लिए। मेरे साथ आज रितेश है, ये एक पेशे से फोटोग्राफर है, स्टील फोटोग्राफर, पुणे से आए हुए हैं। ये देखिए, ये कैमरा है, पुणे से आए हुए हैं। मैंने जब इनसे बात की तो मुझे पता चला कि ये जो है क्या बताया था, यहाँ से पुणे में जो है FTI FTI में जो है वो सिनेमाटोग्राफर का जो इन्होंने कोर्स किया था, करीब 20-25 दिन इन्होंने किया और उसके बाद जो है कि अभी आज खुद का जो है ये अपना व्यवसाय करते हैं। और अभी फिलहाल जो लातूर में जो फिल्म की शूटिंग पे आए हैं वो पुणे से आए हैं अपना DSLR लेके और यहाँ पे काम कर रहे हैं। बेसिक मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि भाई जितना जो कुछ सिखाते हैं किसी भी स्कूल में या किसी भी क्लासेस में जो सिखाते हैं वो एक बिल्कुल उनकी एक थ्योरी होती है, वो बिल्कुल जो जिस तरह से सिखा देते हैं भाई ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, कैमरे की ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सामान जो यूज़ होता है, जैसे कि अभी फिल्म की शूटिंग के लिए जो सामान यूज़ होता है वो नहीं वहाँ पर अवेलेबल होता। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये क्रेन ट्रॉली जो है ये वहाँ क्लासेस में अवेलेबल नहीं होता। और जो इस तरह का जो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं लाइव, ये अभी जैसे कि बरसात हो रही है या रोड पर इस तरह का वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल बस खाली सिखा दिया जाता है आपको और आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन जो हकीकत में जो आपको सीखना होता है वो सिखाते हैं, जो सीखने की बात होती है वो होता है प्रैक्टिकल, जब आप रियल शूटिंग पे जाते हैं, जब ऐसे ऐसे मौक़ों पे शूटिंग पे जाते हैं तब वहाँ पता चलता है कि कैमरामैन कौन सा एंगल शूट कर रहा है, वो कौन से लेंसेज लगा रहा है, लाइटें कौन सी यूज़ कर रहा है और किस माहौल में कौन से चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है। तो उनका जो रितेश का जो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं अभी यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें देखने मिल रही है। तो मेरा कहना यही था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितना भी आपको सिखाया जाता है वो बिल्कुल कुछ हद तक सही रहती है, जो भी आपको कोई भी स्कूल कोई भी क्लासेस सिखाए, लेकिन हकीकत में आपको जो है शूटिंग पर ही पता चलता है कि आखिरकार चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो डायरेक्शन का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो सारी जो भी चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें जो भी साउंड की हो, वो सब आपको शूटिंग पे ही मालूम पड़ती है। तो इसीलिए कभी भी अगर कभी भी आपको भी मौका मिले कि शूटिंग पर जाके कुछ सीखने का तो आप ज़रूर जाइए, उस पर नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप शूटिंग पर नहीं जाएंगे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पता होंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर बता दी जाती है चाहे किसी भी क्लासेस में, लेकिन सिखाया जो जाता है ना जो चीज़ें हो वो प्रैक्टिकल जो है वो ऐसे शूटिंग के दौरान ही होती है। तो चलिए, मैं बस इसी तरह से आपको बताने वाला था कि मैं लातूर में हूँ और इस बार की जो शूटिंग है वो लातूर में हो रही है। इससे पहले मैंने विरार में किया था और अब जो है वो भी एक मराठी फिल्म थी, अब यहाँ पे है। और अब बारिश जो है, लातूर का मौसम जो है यही कह रहा है कि मेरा सामान थोड़ा भीग रहा है, लेकिन मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसीलिए अब जो है कि कई सारी मूवी, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे किस लिए शूटिंग करना है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ फिल्मों की जो लोकेशन होती है बिल्कुल रियल होती है, रियल दिखाना होता है गांव वगैरह में, तो ऐसे गांव में शूटिंग करने लोग आ जाते हैं। और कई जितने लोग हैं, कई लोगों ने डांस क्लासेस के बारे में पूछा है मुझसे कि मैं कि भी क्या उसमें कैसे क्या लोग करें, तो मैंने उनको बताया कि भाई डांस क्लासेस के लिए क्या करिए कि आप किसी भी अच्छे डांस मास्टर के पास चले जाइए, जैसे अंधेरी पश्चिम के इसमें, और वहाँ पे बहुत सारे डांस क्लासेस हैं और वहाँ पे जाइए, और जाने के बाद जो है आप कोई भी डांस क्लासेस जो मास्टर होगा उस मास्टर को ऐसा चुनिए कि उसका ग्रुप हो, अगर उसका ग्रुप रहेगा तो वो
सीखने के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी डांस शो में या कहीं मतलब कमर्शलाइज आपको मतलब कुछ पैसे उसमें से आप कमा सकते हैं, तो इसीलिए आपको वो जाना चाहिए उसमें। और अगर आप कोई भी डांस क्लासेस लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको उस डांस क्लासेस के अंदर करीबन आपको बोलना चाहिए पैसे देने के पहले कि भाई मैं दो दिन जो है वहाँ पे आपसे सीखूंगा, अगर पसंद आया तो मैं आगे का कार्यक्रम जो है वो करूंगा, और पसंद नहीं आया तो फिर मैं नहीं पैसे दूंगा। नहीं तो आप भावनाओं में बह जाएंगे और कहेंगे भाई आज ही पैसे ले लो, सारा एडमिशन वगैरह हो गया और उसके बाद जो है कि आप फिर आपको पसंद नहीं आता और फिर आप जो है चले जाते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद लगता है कि आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पसंद आया होगा ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।